लव फ्रॉम दिल्ली, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। सो काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप इस साइकिल का, जो आपने न्यू साइकिल ली है रोड बाइक, आप इसका रिव्यू लेकर आइए, बिकॉज हमको भी लेना है। या मेरे पास बहुत सारी क्वारीज आई, इनफैक्ट रिक्वेस्ट आई है कि हमको ये बाइक चाहिए और हमको इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है, इफ़ यू कैन अरेंज फॉर अस एंड आई एम हैप्पी टू डूइंग दैट फॉर। एंड अभी हम सबसे पहले बात करेंगे साइकिल की रिव्यू की। सो दिस इज, अगर आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ फिट ट्रिप सुपर वेलो बाइक एंड सुपर वेलो इज़ अ मॉडल नेम, फिट ट्रिप इज़ अ कंपनी। तो ये एक बहुत ही अंडर बजट कह लो, मैं आपको कहूँगा हैरान हो जाओगे। बजट की बात हम बाद में करेंगे, अभी थोड़ी देर में सबसे पहले हम अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले क्लोजअप आके ये टायर की क्वालिटी देखे। यार गाइज, ये टायर की क्वालिटी देखो, यहाँ पे आपको ट्रिपल, इसको ट्रिपल रिम बोलते हैं, ठीक है, ट्रिपल ड्रम रिम होता है। और इसमें जो टायर लगा है दैट इज 700x25। दिस इज़ अ क्विक रिलीज विच इज़ गिवन, आप इसको बहुत ईजिली ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे जो प्रोमैक्स की आपको ब्रेक शूज़ मिल जाएंगे, यहाँ पे बहुत प्यारी सी ब्रांडिंग है और उसके नीचे मेरे देश का झंडा। सो इस रिम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये रहता है कि जब भी आप रोड साइकिल की बात करोगे ना, तो हमेशा उसमें टेंशन रहती है कि अगर थोड़ा सा भी आपको झटका लगेगा या कुछ भी आपने खड्डे में साइकिल चला दी, बाई मिस्टेक हो जाता है। आप जितना मर्जी आप इसको प्रिवेंट कर लो, बट कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाती है। और लेकिन इस साइकिल में सबसे पहली चीज़ जो बेनिफिट मैं आपको शेयर करूँगा, दैट इज़ इसका ये जो ट्रिपल ड्रम जो इसका रिम है, ये इतना ज़्यादा मजबूत है और इतना ज़्यादा सिक्योर है कि अगर आप साइकिल को खड्डे में डाल भी दोगे ना एक सेकंड के लिए, ट्रस्ट मी कहीं नहीं होगा। और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। दैट वाज द फर्स्ट डे कि जहाँ पे मैं राइड करने के लिए सिर्फ निकला था और मुझे रात का टाइम था, तकरीबन 3:45 के आसपास का टाइम होगा। दैट वाज द फर्स्ट राइड जहाँ पे मैंने अपनी साइकिल लिटरली खड्डे में डाली थी, बहुत बड़ा खड्डा था और इतनी ज़ोर से आवाज़ आई थी, आई वॉज लिटरली स्केर्ड कि आज मेरी पहली राइड और मेरी साइकिल गई। लेकिन आई वॉज सो सरप्राइज टू सी, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ा मेरे टायर को, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट समथिंग कि मैं अपने ब्लॉग्स के लिए या वीडियोस के लिए, मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बता रहा हूँ। ट्रस्ट मी, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत मज़ेदार है। और इस चीज़ को ख़रीदने के लिए ना लोग पैसे खर्च करते हैं अलग से लेने के लिए। सो दिस इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट इन दिस साइकिल कि आपको ट्रिपल ड्रम इसमें आपको व्हील मिलने वाला है। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू दिस हैंडल। हैंडल बहुत ही प्यारा हैंडल है इसमें, अगर इसके मतलब शिफ्टर्स की बात करें। सबसे पहले हम इसके हैंडल की कंफर्ट लेवल की बात करते हैं। सो अभी मैं राइट नाउ आपको एक पिक्चर शो कर रहा हूँ। दिस वाज़ द अर्लीस्ट पिक्चर जहाँ पे आप देखोगे साइकिल का जो फ्रंट माउंट रहता है ना, वो बहुत बड़ा था। वो चीज़ मैंने छोटी करवाई है। ना आई रिक्वेस्ट टू माई कैमरा मैन कि आगे यहाँ पर थोड़ा सा दिखाएं। सो ये वाला जो माउंट आप देख रहे हो, ये तकरीबन इतना बड़ा माउंट था और हैंडल बहुत आगे था। तो मैंने हैंडल को पीछे करने के लिए अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से ये वाला पार्ट मैंने इसको रिप्लेस करवाया। और साथ में आपको ये ब्लैक कलर की जो इसको ग्रिप टेप बोलते हो, ये आपको बहुत प्यारी मिलेगी। और यहाँ पे डिज़ाइनिंग सो आपको बहुत बहुत प्यारा लगता है देखने में। एंड इसके ऊपर ये मैंने अपने कस्टमाइज, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से ये मैंने ये एरो बार्स एंड सो ये हैंडल मैंने इंस्टॉल किया था। इसकी वीडियो ऑलरेडी आपके पास है, चैनल पे जाके देख सकते हो हाउ टू इंस्टॉल। सो दिस इज ऑल माय एक्सेसरीज आई हैव इंस्टॉल्ड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फ्रेम, तो फ्रेम है पूरा का पूरा एल्युमिनियम फ्रेम, बिल्कुल लाइट वेट, हार्डली ये देख सकते हो, हार्डली ये 10 किलो की साइकिल है, मुश्किल से 10 से 11 किलो इसके बीच में। मैंने खुद मेजर करी है घर पे आके, मेरे पास एक मेजरमेंट करने के लिए कि हैंडल डिवाइस है, दैट समथिंग आई हैव यूज्ड टू जस्ट चेक की रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन क्या है। And that weight is all about only 10 to 11. Now अगर इसकी हम सीट की बात करें, तो अगेन सीट पे मैंने जेल सीट लगवा रखी है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, बट इसकी सीट भी बहुत प्यारी है, मैं खोल के नहीं दिखा सकता, I'm really sorry. So now I will talk about its gear and crankset and back derailleur. So यहाँ पे आपको, अगर मैं अपने कैमरा मैन को अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पर आपको मिलेगा शिमानो का टर्नी सेट यहाँ पे, एंड ये भी पीछे शिमानो का टर्निंग सेट है बिल्कुल। एंड दिस इज 7x2, सो इट हैव अगेन 14 गियर्स और जो बिल्कुल स्मूथ है। डेफिनेटली कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो, उसकी सर्विसेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप नॉन स्टॉप चलाते रहोगे, कहीं ना कहीं हर साइकिल से आवाज़ आएगी। सो कीप यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स
and this product is C1 and C2, which is for cleaning and lubricant. So I highly recommend this product to keep your bike healthy. So now again, अगर मैं बात करूँ पिछले ब्रेक्स की, पिछली ब्रेक्स भी यहाँ पे प्रोमैक्स की आपको मिलेगी. So this is the quick release at the back side as well. And पिछला टायर भी अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली ये ट्रिपल ड्रम है और बहुत ही मस्त तरीके से फ्री टायर्स रहते हैं इसमें. और यार ब्रांडिंग की तो बात ही अलग है ना. नाउ इफ आई टॉक अबाउट केबलिंग ब्रो, इट इज ऑल इंटरनल केबलिंग. कहीं पे भी आपको बाहर केबलिंग नजर नहीं आएगी. यहाँ से होके इसके अंदर जाके फ्रेम से कोई केबलिंग बाहर नजर नहीं आने वाली है. इफ आई टॉक अबाउट क्रैंक, सो ये जो क्रैंक सेट है ना, ये सबसे बड़ा साइज है. और इसमें पूरा का पूरा जितनी भी आपको क्रैंक सेट है, पूरा डिरेलर है, ये पूरे का पूरा किट जो इस साइकिल में आ रही है पूरी रोड बाइक की ही है. सो और इसमें जो सबसे अच्छी चीज लगती है ना, पैडल्स की ये जो चीज बनी हुई है, दिस एक्चुअली प्रिवेंट कि आपका पैर स्लिप ना हो. ये कट्स आप देख रहे हो ना, ये मुझे बहुत, क्योंकि मेरी पिछली साइकिल पे नहीं था. सो दिस इज समथिंग आई रियली लाइक इट. सो अगर मैं बात करूँ इंस्टॉलेशन ऑफ माई एसेसरीज, यहाँ पे मैंने एक पंप लगा रखा है, वाटर बॉटल मेरे को इसके साथ में मिला था, एंड लाइट्स मैंने ऑलरेडी पिछली साइकिल की यूज करी है. अगर आप कभी भी कोई भी साइकिल लेते हैं ना, यू हैव टू बी अवेयर साइकिल का व्हील साइज क्या है और उसमें जो ट्यूब डलती है वो ट्यूब आपको एग्जैक्ट उसी मेजरमेंट से डालनी है जो जिस मेजरमेंट से कंपनी ने आपको रिकमेंड किया है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आने वाली है. सो मुझे इसकी 700x25 मुझे इसकी ट्यूब नहीं मिल रही थी, बट थैंक्स टू सुप्रीम साइकिल्स अगेन जो जिन्होंने मुझे ट्यूब दो, आई थिंक दो या तीन ट्यूब्स मैंने उनसे ऑर्डर किया था, एंड दे हैव गिवन मी वेरी एक्सेलेंट प्रोडक्ट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्राइस, महंगी जगह पे खड़े हैं, डेफिनेटली महंगी होगी है ना, लग रहा है ना आपको भी, बट नहीं यार, ट्रस्ट मी, सुपर बजट फ्रेंडली बाइक है ये. आप गेस करके बता दो, डेफिनेटली कह रहा हूँ मैं गिव अवे कर दूंगा, लेकिन मैं आपको एक चांस नहीं देने वाला क्योंकि प्राइसिंग मैं आपको बताने वाला हूँ. ऑन रोड प्राइसिंग इसकी सिर्फ और सिर्फ 30,000 है ब्रो, झूठ बोल रहा हूँ ना, 28,000 है. और ट्रस्ट मी, मेरे रेफरेंस से जाओगे ना सुप्रीम साइकिल्स पे, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ ग्रेट प्राइस जो आप बिलीव नहीं कर सकते हो. मैंने अभी कल एक साइकिल बुक कराई है, सेम साइकिल एडवांस दे के 24,500. ट्रस्ट मी, ये प्राइस आपको मिलेगा ही नहीं किसी भी साइकिल पे जाके, क्योंकि तो जितनी यहाँ पे इसमें पॉसिबिलिटीज आपको मिल रही हैं, जितनी आपको इसमें इतने एडवांटेजेस मिल रहे हैं, ये ट्रिपल ड्रम मिल रहा है आपको, एल्यूमिनियम का फ्रेम है, लाइट वेट साइकिल है, ट्रस्ट मी, रोड बाइक के लिए ना लोग पैसा खर्च कर देते हैं कि एटलीस्ट हमें कुछ अच्छा मिल जाए, अच्छा चाहिए है ना. तो ट्रस्ट मी, आपने पिछला मेरा व्लॉग चेक किया होगा जो मैंने पहले क्राइटेरिया गनर प्रो का किया था, एंड मैं आई थिंक उसको सेल किए मुझे 2 महीने हो चुके हैं. विश्वास करना, अभी भी क्वेरीज आ रही हैं उस साइकिल की मेरे पास. जो रिव्यूज़ दूंगा आपको, ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है साइकिल में. और अब मैं बात करता हूँ आपको मेरे एक्सपीरियंस की. इस साइकिल को चलाते हुए मुझे आई थिंक अगस्त में मैंने ली थी ये साइकिल, अगस्त, सितंबर एंड नाउ अक्टूबर स्टार्टिंग, ठीक है, तो आई विल कंसिडर 2 मंथ्स ओनली. और ये साइकिल का क्या सोच के लिया था, क्योंकि मुझे जाना था मनेसर लॉन्ग राइड के लिए ना, आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल ऑन माई हाइब्रिड बाइक, तो मैंने स्विच किया था सिर्फ मनेसर जाने के लिए, एंड दैट वॉज 104 किलोमीटर राइड. आपको ये, तो आपको यहाँ पे लिंक मिल रहा होगा, इस लिंक पे जाके आप ओला ब्लॉग भी चेक कर सकते हो. एंड दैट वॉज माई फर्स्ट राइड इस बाइक पे, और अभी तक मुझे ट्रस्ट में कोई इश्यूज नहीं आए. सिर्फ एक इश्यूज जो हर रोड बाइक में आता है, इट्स नॉट अबाउट कि इसी साइकिल में आ रहा है, हर रोड बाइक में मिलेगा, टायर पंचर करना. तो भाई टायर पंचर तो हो ही जाता है विदाउट एनी रीज़न, कुछ भी नहीं होता, पता नहीं क्यों टायर पंचर होता है. बट टायर पंचर कैसे फिक्स करना है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन से टूल चाहिए आपको, अगेन दिस लिंक विल बी गोइंग टू हेल्प यू आउट. तो आई थिंक मैं इस साइकिल के रिव्यू से पहले पहले ना बहुत चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ आपके लिए. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस साइकिल प्रोडक्ट, साइकिल रिव्यू, साइकिल एक्सपीरियंस, आप बेझिझक मेरे कमेंट पे जाके अपनी क्वारी लिखिए. सो दिस इज माई इंस्टाग्राम राइट नाउ, यू कैन सी हेयर, एंड प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम, DM मी योर क्वेरीज, यू आर कम्प्लीटली फ्री टू पुट एनीथिंग इन द कमेंट्स. सो आई एम अगेन थैंकफुल टू यू गाइज
कि अभी मुझे बहुत सारी क्वेरीज के अभी आंसर करने हैं. सो आई होप जो नेक्स्ट व्लॉग होगा दैट विल बी कम्प्लीटली क्यू एंड ए व्लॉग होगा. वो भी इतनी साइकिल की क्वेरीज आ रही हैं, इसलिए मुझे आई थिंक आई एम फीलिंग कि मुझे आपको वीडियोज़ पे आकर ज़रूर बताना चाहिए. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड विल सी ऑन द नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए दिल से शुभकामनाएं.